नमस्कार, आइए सुनते हैं डॉक्टर सुषमा श्री राव जी की लिखी कहानी बोझ न बने बुढ़ापा। आज बच्चों की जिद पर उन्हें गिरगांव चौपाटी ले गई। वहां श्री पंडित से मुलाकात हुई, जो 10 वर्ष पूर्व हमारी ही सोसाइटी में रहते थे। रूपदार चेहरा, उत्साही मुस्कान, बच्चों के साथ बैठकर रेत के घर बना रहे थे। उनके साथ समुद्र की लकीरों में भीग रहे थे। उम्र होगी 75 के करीब। सुखी जीवन के पहलू खुलते खुलते जीवन के उतार चढ़ाव भी उनकी आंखों से, बातों से परिलक्षित हो रहे थे। 6 साल पहले पत्नी चल बसी। लड़के लड़कियां सुस्थिर, विवाहित, उच्च पद पर, और फिर आर्थिक सघनता, सब कुछ ऐसा कि नजर लग जाए। फिर भी अकेलापन आदमी को काटने को दौड़ता है, परंतु इसका एहसास हो इसके पहले ही एक सुंदर से आश्रम, वृद्धाश्रम में प्रवेश ले लिया। और जीवन संध्या जैसे महक उठी। बच्चों ने बहुत विरोध किया। पापा, ये क्या पागलपन है? घर में कोई तकलीफ है क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर यह अलगाव क्यों? यह वृद्धाश्रम क्यों? पंडित बोले, बेटे, यह अलगाव इसलिए है कि जब तक मैं हूँ थोड़ा अंतर रहे, यह ठीक है। तुम मुझे रखते तो यह वृद्धाश्रम होता। मैं यहाँ आया हूँ तो यह मेरे लिए वानप्रस्थ आश्रम है। मैं अभी बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ? अभी मुझे शेक्सपियर पढ़ना है, प्रेमचंद और महादेवी की कहानियों का मर्म जानना है, और भी बहुत कुछ करना है जो मन में है। मुझे फिर बंधन में मत बांधो। और यदि कहें तो वो एक फोन की दूरी पर हैं, या फिर उनके लिए मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। यह सब बताते बताते वे हमें नारियल पानी वाले के पास ले आए। छोटे बच्चे जैसे उत्साह में बोले, भैया मलाई निकाल के दो ना। नवजीवन का उत्साह जैसे उनके अंग अंग में भरा था। आयरन किया हुआ चेक का रंगीन शर्ट, ब्राउन जीन्स की महंगी ब्रांडेड पैंट, सिर पर कैप, इस उम्र में भी यह सलीका, पर इन सबसे सुंदर था उनका जीवन के प्रति उत्साह। मैं टकटकी लगाकर जैसे देखती रह गई। यहाँ तो कहीं भी निराशा का न और बुढ़ापे का ब नहीं था। ये तो सिर्फ ताजे फूलों जैसे खिले जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण। मैं बहुत प्रभावित हुई। उनका पता मांगा तो बोले, यदि दे भी दूं तो आज की पीढ़ी के पास समय कहाँ है। 2 दिन तुम्हारे पर्स में चिटपड़ी रहेगी और 3रे दिन तुम फेंक दोगी, इसलिए ज्यादा सोचो मत। यदि किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे, और यदि नहीं रहा तो पता देकर भी क्या उपयोग। और वह आकृति दूर दूर जाकर धूसर होती चली गई। श्री पंडित से मिलने के बाद आज बार बार आंखों के आगे पांडे चाचा जी का उदास खोया खोया चेहरा नजर आ रहा था। सच दोनों में कितना अंतर था। चाचा जी तो बेचारे मशीन बनकर रह गए थे। इस उम्र में भी सुबह उठकर पोते को स्कूल बस के लिए छोड़ना, दूध तरकारी और अन्य सामान लाना, बिल भरना, न जाने ऐसे कितने ही काम उन पर थोपे गए थे। रिटायर्ड की तख्ती जो लगी थी उन पर, कामों की फेरहिस्त हनुमान की पूछ की तरह दिनों दिन बढ़ती जाती थी। परेशान हो गए थे। संघर्षों और पैसों की कमी से उनके कंधे 50वां वसंत पार करते करते ही झुक गए थे। एक तरह की गूंगी लाचारी आ गई थी। बस बस तब से बुढ़ापे का डरावना सफेद भूत उन्हें खूब डराता था। आज उनसे मिलने का निश्चय किया। दुविधा भी थी, क्योंकि उनसे किसी का मिलना जुलना बहु बेटे को पसंद नहीं था। उन्हें श्री पंडित के बारे में बताना था और निमंत्रण भी देना था। निमंत्रण तो बहाना था, हमारी सोसाइटी में अधिकांश वृद्ध दंपत्ति ही थे। जब से मैं ब्याह कर आई थी, उनका अकेलापन, घुटन, मजबूरी और कश्मकश देखती आ रही थी, पर कुछ सोचता नहीं था। आज श्री पंडित से मुलाकात ने जैसे मेरे बंद दिमाग के ताले खोल दिए थे। मेरे सास ससुर आए हुए थे। योजना थी उनसे मिलवाने के बहाने सारे सीनियर सिटीजन का एक छोटा सा गेट टुगेदर रखना, ताकि वो आपस में अपने अनुभव बांट सकें। फिर किसी तरह कोशिश कर उन्हें नियमित अंतराल के बाद मिलवाना। महिला मंडल या किटी पार्टी की तरह उनका भी एक छोटा सा क्लब स्थापित करना, फिर दिशा उन्हें खुद ब खुद मिल ही जाएगी। विचारों के ताने बाने बुनती में कब उनके घर पहुंची पता ही नहीं चला। मुझे और मेरे हाथ में उनकी पसंद के बेसन के लड्डू देखकर उनकी आंखें भर आईं। पत्नी के गुजरने के बाद उनकी पसंद नापसंद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सारी कहानी बताकर बोले, जरा भी खाली होता हूँ तो लगता है घड़ी का सेकंड का कांटा भी 100 किलो का वजन लेकर चल रहा है। कोई मेरी सलाह नहीं मानता। मैं सठिया गया हूँ क्या?
मैंने भी बेटी के हक से प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, चाचा जी अब आप गृहस्थी की जिम्मेदारी से भी रिटायर हो जाइए, इसका बोझ आगे की पीढ़ी के कंधों पर है। इस बोझ से यदि उनके पैरों में मोच आती है तो अपने अनुभवों का बल दें, परंतु यदि उनके न मांगने पर भी आप अपने अनुभवों और उपदेशों की बेड़ियां उनके पैरों में डालते रहेंगे तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा और वे ये बेड़ियां उपेक्षा की धार से काट फेंकेंगे। बिल्कुल सच कह रही हो बेटी, आंखों के आगे एक पर्दा था जो तुमने हटा दिया। सच पंडित ने अच्छा निर्णय लिया। मैंने फिर धीरे से उन्हें अपनी योजना बताई। उनका आश्वस्त उत्साहित स्वर इस बात की गवाही दे रहा था कि उन्हें एक दिशा मिल गई है और जीने का मकसद भी। आखिर वह दिन आ ही गया। सबकी 100% उपस्थिति ने तो मुझे चौंका ही दिया। पहले मैंने अपनी सास का परिचय कराया कि कैसे वह वर्तमान से शीघ्र ही एक रूप हो जाती हैं। वे बोली, बेटा औरत की भूमिका तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलती रहती है, इसलिए हर बदलती भूमिका का स्वागत वो उत्साह से कर रही हैं। फिर मैंने उनके व्यस्त कार्यक्रम बताए, जैसे नाती पोतियों की पढ़ाई में मदद करना, त्योहार पर या कभी खाने में एक आध डिश बना देना, कभी थोड़ी बुनाई कभी सिलाई और जितना शरीर में सामर्थ्य हो उतनी महिला मंडल के कार्यक्रमों में उपस्थिति। इस पर मुस्कुराते हुए बोली, अपने अधिकारों का नगाड़ा बजाने के बजाय प्रेम और वात्सल्य की बीन बजाए तो सब कुछ सरल हो जाएगा। बढ़ती उम्र के बदलते अधिकारों के सत्य को स्वीकारें। स्त्रियां तो बड़ी आसानी से स्वीकारती हैं पर पुरुष नहीं, इसलिए तो पानी में पड़े तेल जैसे संसार से अलग थलग पड़ जाते हैं। सासू जी की बातें प्रभावशाली थी। सभी का उत्साह काबिले तारीफ था। अनुभवों का लेन देन शुरू हो गया था। उनकी हंसी ठहाकों और कटाक्षों का मैं शांत बैठकर आनंद ले रही थी। सच हम उम्र लोगों के बीच कितना रिलैक्स महसूस कर रहे थे सब। एक बात पर सभी एकमत थे कि उन्होंने सिर्फ पैसा दुगनी करने वाली योजनाओं के बारे में ही सोचा। यदि खुशियां दुगनी करने वाली योजनाओं की खोज वो 25-30 साल की उम्र में कर लेते या कई शौक पाल लेते तो यूं समय काटने को न दौड़ता। फिर मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। कड़ियां जुड़ती गईं, अगली बार मिलने की तारीख भी तय हो गई, प्लान बनते गए और यंग सीनियर सिटीजन क्लब की स्थापना भी हो गई। नाम के अनुसार ही उनका जोश और उत्साह देखने लायक था। खुशी के मारे तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अचानक मैं अतीत से जागी। आज इस बात को लगभग 4 वर्ष हो गए हैं। सभी बहुत व्यस्त हैं। पांडे चाचा जी ने भी अपने लिए जीना सीख लिया है। अब वो सुबह की सैर और योग के पश्चात तैयार होकर निकल पड़ते हैं। किसी सामाजिक संस्था में निःशुल्क अकाउंट्स देखते हैं। शाम को अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बैडमिंटन या टेनिस खेलते हैं या सोसाइटी के बच्चों के साथ क्रिकेट में एम्पायर का रोल अदा करते हैं। कभी उन्हें कहानियां सुनाते हैं, कभी खुद सुनते हैं। वो ही क्या, लगभग सभी का यही हाल है। सभी व्यस्त हैं। यदि कोई नाना जी दादा जी या नानी जी दादी जी अस्पताल में भर्ती हो गए तो यंग सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य उनकी बारी बारी से देखभाल करते हैं। इससे घर वाले भी चिंता मुक्त रह पाते हैं। सोसाइटी की हरियाली और स्वच्छता तो देखते ही बनती है। कई अच्छे अच्छे सामाजिक उपक्रम चलते हैं। सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सब कुछ मिलजुल कर होता है। मेरे लिए होता है उनकी आंखों में प्यार, धन्यवाद, आशीर्वाद, आदर, सब कुछ। मुझे मार्गदर्शक कहते हैं। जबकि सच तो यह है कि ये सब मुझे मेरे भविष्य के रुपहले दिनों के मार्गदर्शक लगते हैं। अभी तो 40वां पार किया है। यदि ईश्वर ने लंबी उम्र दी भी तो ऐसा ही जोशीला, महकता, रुआबदार वृद्धत्व मेरा भी साथी होगा। मेरा बुढ़ापा बोझ न बने, मैं अपने लिए अपने जैसा जीऊं। जीवन का रोना धोना राम कहानी लोगों को सुनाने की बजाय मैं पंडित भीमसेन, हरिप्रसाद, लता और पंडित रविशंकर के सुरों में खो जाऊं। जीवन की अंतिम सांस तक मेरी लेखनी लोगों का स्पंदन कागज पर उतारती रहे और आगे की पीढ़ी दिल से सोचे, मम्मी रहें, कभी छोड़ कर ना जाएं, और रहें, बस। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुषमा श्री राव जी की लिखी कहानी बोझ न बने बुढ़ापा।